और 7C इतने सारे बढ़िया फिनिशेस निकालने के बाद थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आया, बट लाल है लाल। टीम एक्स पार्क के स्काउट यहां पर मौजूद, ये इनके फिनिशेस जो है बिल्कुल एंड में निकल कर आते हैं, जोन को अच्छी खासी प्रायोरिटी दे रहे हैं। बढ़िया स्प्रे यहां पर आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डैमेज जो है वो रजिस्टर हो रहा था, और जोरो को भी यहां पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो फंसती हुई WSB गेमिंग और रेवेनेंट की ये टीम, बट टीम एक्स पार्क अपने चारों प्लेयर्स के साथ काफी खुश नजर आएगी जोन के अंदर। बिल्कुल अभी के लिए कोशिश है यहां पर, गोब्लिन ने स्पॉट आउट करा है पुकार को, स्पीड ट्रंक के पीछे जस्ट अभी हाइड हुए हैं, रिजिस भी है। जी हमारे भी आप बोल रहे थे ना, पर प्लेयर रेंडर जरूर है लेकिन वो रिज ग्लिच के चलते अपने आप को सेफ यहां पर पा रहे हैं और दोनों तरफ से विजन ग्लिच ब्लॉक कराया जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी थिंकिंग, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कोई खिलाड़ी, बेशक सोल से यहां पर जरूर वो हाइड हो रखे लेकिन दूसरी तरफ से यही खतरा था। यहां पर सारंग वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाए, अपने आगे कुछ ब्लॉकेज रखते, कुछ हार्ड कव भी बिल्कुल है जिसमें यहां पर खेलने वाले हैं। स्टेज 8 कभी भी स्टार्ट होने वाले कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि नया श्रृंखला देखने को मिल जाएगा और टीम को ना चाहते हुए भी खुद को सामने लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर एक के पास AUG भी नजर आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब AUG का भी काफी अच्छा खासा सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर बेशक M416 सबका चॉइस जरूर रहता है लेकिन यहाँ पर आदित्य स्पॉट आउट करें जरूर, लेकिन क्या चल रहा है असमंजस में जरूर नजर आते हैं कि स्प्रे करूं ना करूं, बट ग्रेनेड है तो फायदा उठाए, बट चलिए ग्रेनेड तो नहीं था लेकिन ग्रेनेड तो था बीस्ट के द्वारा और उनसे पीछे है वो यहाँ पर, मतलब उनके ऊपर से वो ग्रेनेड खूदता हुआ गया, फानता हुआ गया और रेक्स और अभी अमेरिका से बहुत मुश्किल क्योंकि बीस्ट बैक टू बैक वो ग्रेनेड से ही वो सटी ग्रेनेड यहाँ पर निकाल जरूर है, लेकिन अभी के लिए अभी एक आखिरी उम्मीद के साथ बैठे रहिए एंड प्रे करिए कोई दूसरा ग्रेनेड आपके ऊपर ना जाए। ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है 20 के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, बट शायद उनके ग्रेनेड्स खत्म जरूर हो सकते हैं, बट ऊपर स्काउट एक ग्रेनेड कर रहे हैं अभी के ऊपर, अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ किया तो अभी यहाँ बैठे बैठे ही लॉबी से बाहर हो जाएंगे। बैग अपना छोड़ दिया ताकि उनकी पोजीशन ना पता चले, बट बीस्ट जा रहे हैं वो एंगल बनाने, उन्हें अभी का पिक्सल दिख भी सकता है, बट ये रोड कैसे क्रॉस करेंगे, इधर से जाना होगा 8-bit को या आएगी टीम एक्स पार्क, एक बड़ा सवाल। ऊपर खड़े स्काउट तब से हाथ में ग्रेनेड लिए खड़े हैं बट बार बार अनपिन कर रहे हैं कि एक ही ग्रेनेड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये यूटिलिटीज हैं, इन्हें सही टाइम पर सही जगह पर यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मोक कर रहे हैं, स्मोक पाथ बनाया जा रहा है पूरे तरीके से और उसके बाद आगे जाके अगर मौका मिले तो 8-bit बीस्ट थोड़े से और फिनिशेस अपनी टीम के लिए निकाल के लेके जाना चाहेंगे। पिछले मैच में भी अच्छा खेल कर गए थे 8-bit के प्लेयर्स, आए थे कहीं ना कहीं टॉप 3 के अंदर और वापस से एक बार आपको ये टीम बढ़िया करती दिख रही है। माइटी को थोड़ा सा रैंडम डैमेज पड़ा है बट अभी को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। सो नाउ वी हैव टू टीम्स और बीस्ट की पोजीशन मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जिसमें रैंडम शॉट्स का वो जो मार्क आता है उससे पता चल चुका है बीस्ट को डाउन कर दिया गया आदित्य के द्वारा। इट्स अ 1v3, क्या माइटी एक क्लच पुल ऑफ कर पाएंगे? जी नहीं, टीम एक्स पार्क फीडिंग द स्पार्क और एक बार फिर से फाइट हो गया अपन इनसेन। अब देखिए शुरुआत में जब इतनी सारी फाइट नहीं हुई थी तो अब तो होंगी धीरे धीरे करके, प्लेस कब तक शांत रहेंगे, कब तक इंतजार करेंगे, और वो इंतजार खत्म हो चुका है। गेम्सो VSC सीक्रेट गमला बॉय प्लेयर 1 एंड सोमरा, शुरुआत में ही एक फ्रैग निकल गया था इनके खाते के लिए, एक फ्रैग निकाला था लेकिन सामने टीम एक्स पार्क के खिलाड़ी नजर आते हुए, लेट्स सी गमला बॉय, शुरुआत में जो फाइट की जरूरत थी वो अब होती हुई, गमला बॉय गलत जगह पे गए, गमला बॉय को तो टेक डाउन किया ही किया, साथ ही साथ सोमराज को भी शट डाउन कर दिया गया है। टीम एक्स पार्क शुरुआती जो फाइट वो चिंकी में एक्सपेक्टेड थी होता हुआ, आधा काम तो शुरुआत में किया था टीम एक्स पार्क ने, बचा खुचा थर्ड पार्टी में हो चुका है, बट वही मेडल ईस्पोर्ट्स के क्योया को भी टेकडाउन किया गया। टीम एक्स पार्क के सारंग 6 आर्स को बार लगाते हुए 6 आर्स को भी टेकडाउन कर दिया, दैट वाज अ गुड स्प्रे, दैट वाज इंडीड अ गुड स्प्रे, राइट अवे फिनिश ऑफ कर दिया है। एलिमिनेशन यहां पर कुछ देर के अंदर आने वाला है, लाल है अभी के लिए, लाल है कि HP भी लाल है लेकिन रिवाइवल की जरूरत है अंदर फंसे हुए, लेकिन ये ग्रेनेड क्या बात है, बेहतरीन ग्रेनेड, एक ग्रेनेड से दो शिकार, नहीं दो अलग थे, नहीं एक ग्रेनेड से ही थे, एक ही ग्रेनेड था आदित्य का, लेकिन अब यहां पे कंफर्म करने के लिए जाना चाहते हैं DBS का झटका दे पाएंगे या नहीं, स्काउट को बचाना है, पीछे से पुकार भी दहाड़ लगाते हुए बिकॉज दे हैव गॉट टू सेव स्काउट, लेकिन अभी के लिए अपोलो ने कंफर्म कर दिया है, लेट्स सी अपोलो सेंसी नजर आते हुए DBS का कमाल, आदित्य स्विच करके भी बहुत ही बेहतरीन, क्या क्लच है ये, क्या क्लच है आदित्य, OP इन द चैट गाइस, टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स क्या स्पार्क लेके आए हैं, और जनता ऑडियंस गाइस कमेंट सेक्शन में स्पार्क नहीं फायर जनरेट होना चाहिए, स्पैम कर दीजिए, आग लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आदित्य भाई 6 फ्रैग गेम्सो क्लच। देखिए मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि इससे पहले भी ये कारनामा करके दिखा चुके हैं, यहाँ पर तो आदित्य है उनके हाथ में वो वेपन है। ओ मादरचोद, ओए भाई बताओ
उसे पेश कर दिया तो बंदे घुस गए तुम पे। अंदर वाले को मारते हैं। फिनिश कर रहा है माजा लोगे। डॉट एचपी, एक गोली टच कर दे बस, एक गोली टच कर दे। M4 से मार दे एक गोली। ओ भाई बोला एक गोली टच। लाइसेंस ले लीजिए इनसे गेम्सो। ये भैया बैटल ग्राउंड में गाड़ियों से कुचल रहे हैं, वहां पे लोग गन पे गन चला रहे हैं और ये गाड़ियां चला रहे हैं। क्या बात है। बट चलिए अभी के लिए हमें थोड़े से यहाँ पर डॉक्टर आदित्य नजर आ जाएंगे। देखिए सिचुएशन ने मजबूर करा कि आप फर्स्ट एड किट को एकत्रित कीजिए और मजबूर वो हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आदित्य कोशिश करेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि देखिए अभी स्टेज 6 का डैमेज स्टार्ट होने वाला है और स्टेज 6 का हमें डैमेज पता है कि 5 HP/s का डैमेज आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आगे जरूर बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो प्रे जरूर करेंगे कि कोई भी खिलाड़ी देख ना ले। हल्की सी झलक अगर आ गई तो हमें पता है कि ब्लू जोन का डैमेज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन खुद कोई बचा नहीं पाएंगे। बट अभी के लिए जितने परे आप 14 फर्स्ट एड किट है मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे वो यहाँ पर। और थोड़ा सा ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाई आदित्य, पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा अपने आप वो संयम रखिए। यहाँ पर 10 सेकंड है, लेकिन रुकना नहीं है, थमना नहीं, आप पहुंच तो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए इनसे 132 की स्पॉट में जा सकते हैं, बट जस्ट इन बहुत ही कमाल का वो स्प्रे यहाँ पर। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि वॉरिंग 10 के उस खिलाड़ी को बचा पाना काफी मुश्किल यहाँ पर रहेगा। लेकिन आदित्य थोड़े से कितने 4 फर्स्ट एड किट बचे हुए, एक ही ओपी वहां पर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी उनको अंदाजा तक नहीं है। यहाँ पर मौका उठाई आदित्य, धीरे धीरे आगे करके बढ़ सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ से स्प्रे ले पाएंगे तो कन्फर्म पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही ओपी को वो सहारा मिल जाएगा यहाँ पर। बट अभी भी कुछ भी हो सकता है, किसका नाम आएगा आदित्य के उस स्प्रे के बाद। आखिरी फर्स्ट एड किट का भी उपयोग कर रहे हैं, एक खिलाड़ी तो पूरी तरह से इनविजिबिलिटी में उनको नजर आ रहे हैं, वो है AKOP। अब स्प्रे करना स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर, लेकिन जस्टिन दूसरी तरफ से परेशान करने में लगे पड़े हैं। लेकिन AKOP शायद ये फ्रैग निकाल देंगे, स्मोक की वजह से वो क्लियर पास उनको नजर नहीं आ पाया। की कोशिश कर रहे हैं मेडल ईस्पोर्ट्स के, आंकोर अभी डाउन है और मिनी का कमाल दिखाया था मैक्स आकाश ने, बट इसी भी सारंग दोबारा से कमाल करते हुए और मैक को टेक डाउन कर दिया गया है। टीम एक्स पार्क द्वारा फाइट में एंगेजमेंट देखने को मिल रही है दोबारा, लेकिन टीम एनिग्मा फॉरएवर नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। सामने है राइवलरी ईस्पोर्ट्स एज वेल, टीम एक्स पार्क के आदित्य ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं, बचे खिलाड़ियों का चाहिए सपोर्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आदित्य प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मैं मानता हूँ इस खिलाड़ी के ऊपर क्षमता है, लेकिन ब्लू जोन का डैमेज भी है और सामने मल्टीपल प्लेयर्स है। बट इसी बीच सारंग अपना काम करते हुए चेली को टेक डाउन कर दिया है, लो HP जरूर हुए थे, लेकिन स्काउट भी कवर के लिए जा रहे हैं, बट स्काउट के ऊपर भी शॉट्स आते हुए, कवर पे जाना पड़ेगा फटाफट से। देही गो कवर पे आ चुके हैं, लेट्स सी सारंग का फ्रैग कंफर्म हो पाएगा या नहीं। इसी बीच Zapdos ने स्काउट को टेक डाउन कर दिया है, कवर वॉज नॉट इनफ एंड टीम एक पार्क को एक और झटका लगता हुआ, बट सारंग द थर्ड डैमेज हैज बीन इन लेकर आए थे। टीम एक्स पार्क के आदित्य जोन के बाहर से आती हुई पूरी राइवलरी की टीम पर भारी पड़ते हुए अकेले, डेजा वो टाइप लग रहा है, बिकॉज पिछली बार भी आदित्य अकेले बच गए थे, इस बार भी बचे हैं, बट मैप डिफरेंस है और इस बार आदित्य बहुत ओपन में भी है, तो राइवलरी किसी ना किसी तरीके संभल तो गई है।